हेलो फ्रेंड, नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज वी अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो एक चालक के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करती है, तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ओम्स ने बताया था। तो इसे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, तो वी बराबर आर इंटू आई, यहाँ आर क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक आर जो है मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब, तो ये जो चेंजेस करता है टेम्परेचर के साथ, तो आर हमारा जो है टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, वेरी कर जाता है, कम और ज़्यादा हो जाता है। तो आर की यूनिट होती है, तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है, तो वोल्ट्स पर एम्पियर या बी वाई ए या ओम्स होती है। तो एम्स ओम्स को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ग्रीक लेटर होता है। तो ये फिगर में दिखाया गया, ये इसका सिंबल होता है रजिस्टर का, और ये बी और आई में ये प्लॉट किया गया। तो जो इस लाइन का जो एक स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से जाती है, तो जो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आर के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं आर इज ए, जो आर हमारा क्या है, लीनियर रजिस्टर है। तो जो लीनियर डिवाइस होती हैं उनमें ओम्स लॉ फॉलो करता है, जो लीनियर डिवाइस नहीं होती उनसे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ ने वोल्टेज की पोलरिटी और करंट की डायरेक्शन बारे में बताया था, जो हमारी करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो करंट हमारी फ्लो करती है रजिस्टर में, वो हाइयर टू लोअर वोल्टेज फ्लो करती है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द रजिस्टर। तो हाइयर पोटेंशियल मार्क लेते हैं प्लस और माइनस, यह है आर, और इसके क्रॉस होगा ये वी वोल्टेज और हमारी करंट फ्लो करेगी आई। तो ये हमारा पैसे कन्वेंशन होगा, करंट हमारे जब भी रजिस्टर में फ्लो करेगी वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगी। तो प्लस को बोलते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो ये तो हो गया करंट की डायरेक्शन के लिए। तो जो वोल्टेज आएगा वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, तो वोल्टेज भी कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये ओम्स लॉ वी बराबर आई इंटू आर। यदि करंट फ्लो करेगी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो हमारा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वी बराबर माइनस आई इंटू आर, देखते हैं फिगर से। नेक्स्ट पॉइंट है करंट की डायरेक्शन की, अगर करंट फ्लो करेगी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू द रजिस्टर, तो ये दिखाया गया कि जब हमारी अब करंट किधर से फ्लो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो जो इसमें ओम्स लॉ वी बराबर जो आएगा वोल्टेज माइनस का आई इंटू आर, जबकि पहले वाले में क्या आ रहा था, जब करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह फ्लो करेगी, तो इसमें वी बराबर आई आर निकल के आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। यदि करंट किधर से आ रहेगी, लोअर पोटेंशियल टू हायर, तो हमारा वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आर बराबर निकल के आ जाएगा वी अपॉन आई।
या आई बराबर इसी से वी अपॉन आर, ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो यूज़ किए जाएंगे। तो हमें इन पे ध्यान देना दो पॉइंटों पे, करंट के लिए जब करंट, और ये से ही बोलते हैं पैसे कन्वेंशन, यही जनरली यूज किया जाता है कि करंट रजिस्टर में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। यदि आर की वैल्यू ज़्यादा होगी इस रिलेशन से तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ जो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, ये रिलेशन आता। एक और रिलेशन, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जिसमें हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें हमारी करंट क्या कर रही होगी, ज़्यादा फ्लो कर रही होगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं कि हमें ज़्यादातर इसका इक्विवेलेंट, जब हमारी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो कर रही होती है, तो देखिए इस वाली फिगर में करंट हमारी कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमने इस तरीके से लिख दिया वी बराबर आर इंटू माइनस आई बराबर वी बराबर माइनस आर आई। देखिए अब इस वाली फिगर में हमने क्या किया, यहाँ तो पॉजिटिव करंट हमारी क्या जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, लेकिन हमारे क्या है माइनस के साथ है आई। तो यहाँ जो v बराबर हो जाएगा r इंटू माइनस का i, तो बराबर आर आई। तो देखिए यहाँ करंट अभी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी, अगर हमें इसे पॉजिटिव से नेगेटिव करना होगा तो हमें क्या लेना होगा, इसका नेगेटिव साइन के साथ इसे लेना होगा, तब ये दोनों ही क्या होंगे हमारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे सर्किट। क्योंकि अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा इस वाले करंट को, कि हम चाहते हैं हमारा क्या है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करे, तो जो ये आई जा रही थी तो इसकी क्या करेंगे हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शन जब ही चेंज होगी, जब क्या होगा नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव साइन अगर आ जाता तो इसका मतलब क्या होता, अगर हमने जो डायरेक्शन ली है तो इसके ठीक दूसरी डायरेक्शन में करंट हमारी क्या होगी फ्लो करेगी, जो अजम्पशन हम मानेंगे ठीक उसके अपोजिट। जैसे नेक्स्ट फिगर में ये रेजिस्टेंस है, ये आर, ये माइनस और ये प्लस है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ये आई फ्लो कर रही है, प्लस से नेगेटिव की ओर फ्लो कर रही है, लेकिन जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा है माइनस का वी वन। तो माइनस का वी वन है, अब जो ये वोल्टेज है देखिए क्या है, जो प्लस माइनस एक्चुअली ये वोल्टेज कितना हमारा माइनस का वी वन बराबर, इसमें करंट जा रही है तो इसमें ओम्स लॉ लग जाएगा हमारा क्या आर इंटू आई, तो वी वन बराबर हो जाएगा माइनस आर इंटू आई। तो हमें इस टाइप के सर्किट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सर्किट में, क्योंकि वहाँ पे कि ओम्स लगाने में गड़बड़ी हो जाती है, अगर इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वहाँ पे ओम्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जनरली यही ये सर्किट इस टाइप की और इस टाइप की प्रॉब्लम करती है। यहाँ पे हमने ये दो फिगर बनाई ए और बी, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस को हमने एक वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, तो जो हमारी करंट जाएगी थ्रू ये वोल्टेज सोर्स जाएगी ये करंट, यहाँ पे क्या है करंट सोर्स यूज किया, तो जब भी हम करंट सोर्स लेंगे तो उसके अक्रॉस क्या होगा एक वोल्टेज जरूर लेंगे विदाउट वोल्टेज, क्योंकि तब तक ओम्स लॉ नहीं लग पाएगा। तो देखिए हमने वोल्टेज कहाँ लिया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया, तो ये पैरेलल कनेक्ट है, तो ये भी क्या है ये वोल्टेज जो है इस करंट के अक्रॉस भी होगा, तो जब भी हम करंट सोर्स लेंगे तो उसके अक्रॉस हम वोल्टेज जरूर ही मेंशन करेंगे, अगर मेंशन नहीं करते हैं तो हम वहाँ पे वोल्टेज और करंट केवीएल नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी करंट सोर्स होगा तो हम उसके अक्रॉस क्या मान लेंगे वोल्टेज मान लेंगे। तो यहाँ ये भी क्या है कि आइडियल करंट सोर्स है, तो इसमें बी बराबर क्या होगा आई इंटू आर होगा, इसमें भी वी बराबर आई इंटू आर, और इसमें भी बी बराबर आई इंटू आर,
ओम्स लॉ से। तो इस टाइप की सर्किट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है क्वेश्चन में कि करंट सोर्स दे रखे होते हैं, जब भी हम करंट सोर्स लेंगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेंगे समथिंग, और हम क्या फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट्स। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट समझते हैं। तो जो हमारा आर होता है तो उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, यानी मतलब दो उसकी जो है रेंज होती है, एक वैल्यू होती है 0 और दूसरी वैल्यू होती है उसकी इन्फिनिटी। तो आर बराबर जो 0 होता है वो कहलाती है हमारी शॉर्ट सर्किट। जब आर बराबर हमारा 0 हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो देखते हैं कि कोई एक सर्किट लेते हैं, ये है आर, इसमें करंट जाएगी बी और इसके अक्रॉस है वोल्टेज वी, ये एक बॉक्स है और इसमें करंट जा रही होगी आर और इसकी वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली। तो जो वी बराबर आई इंटू आर ओम्स लॉ से, तो आर की वैल्यू है 0, तो आई इंटू 0, तो करंट कुछ भी हो सकती है, यहाँ आर रख दिया हमने 0 तो ये आ जाएगा 0, तो बी बराबर 0 होगा और आई एनीथिंग वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है शॉर्ट सर्किट में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रा किया है। तो देखिए जो आर जो हमारा जो है 0, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो एक वायर से दोनों एंड को जोड़ देंगे, और यहाँ दिखाया गया बी बराबर 0, अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो 0 होगा और उसमें करंट कुछ भी हो सकती है, करंट 0 नहीं होती है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट। तो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन होती है, इस शॉर्ट सर्किट इज ए सर्किट एलिमेंट विद रेजिस्टेंस अप्रोचिंग 0, जिसका रेजिस्टेंस क्या अप्रोच हो रहा 0 के बराबर हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट के बारे में। जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट। देखते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले सर्किट ड्रा कर लेते हैं। V R और इसमें करंट फ्लो करेगी I। अगर हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं तो ओम्स लॉ से V बराबर आई इंटू आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, वी की वैल्यू कुछ भी हो, तो आई बराबर जब 0 होगा और इसमें बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब हमारा इन्फिनिटी केस होता है, जब हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो आई बराबर 0 होता है, वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, तो इसको यहाँ दिखाया गया, देखिए आर वाला जब इन्फिनिटी होता तो क्या कर देते हम इसे ओपन कर देते, तो हमारी करंट क्या जा रही होती, 0 जा रही होती, करंट 0 जाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी होगा। इससे ऊपर वाले केस में क्या था कि हमारा वोल्टेज तो 0 हो रहा था लेकिन करंट कुछ भी हो सकती है, और उसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते दोनों एंड पॉइंट को, इसमें क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं दोनों एंड पॉइंट को, क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ये क्या है, ओपन। तो जब भी आर बराबर इन्फिनिटी आएगा तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस हम वहाँ से हटा देंगे, ओपन कर देंगे, जब आर बराबर 0 होगा तो वहाँ क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे। तो ये है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली जो होता है इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर 1/r, तो ये कंडक्टेंस होता है फार्मूला। तो r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे,
तो जी बराबर एक अपॉन बी वाई आई, तो ये आएगा आई अपॉन वी, तो आई बराबर जी इंटू वी। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस, यूनिट ऑफ कंडक्शन बाय म्यो या सीमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी भी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो एक अपॉन ओम, तो इसको लिखा जाएगा और ये इक्वल होगा इन्वर्टेड ओमेगा, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड ओमेगा। तो एक सीमेंस बराबर जो यूनिट निकल के आएगी एक इन्वर्टेड ओमेगा, तो एक एम्पियर प्रति वोल्ट। तो मोस्टली सीमेंस या म्यो यूज कर ली जाती है, तो इसे भी यूज कर सकते हैं इन्वर्टेड ओमेगा को। पावर डीसी पीएटेड वाई रजिस्टर, तो पी बराबर वी आई होता है, तो पी बराबर ओम्स लॉ से जानते हैं वी बराबर होता है आर इंटू आई, तो ऐसे आई की वैल्यू निकल के रख देते हैं वी बराबर आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी अपॉन आर, तो यह आ जाएगा पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से बी की वैल्यू आर आई रख देंगे तो एक आ जाएगा पी बराबर आर इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर। तो ये फार्मूले आ गए पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आई स्क्वायर आर। तो ये रजिस्टर में जो हमारी पावर डिसिपेट होती है उसका ये फार्मूला है। कंडक्टेंस के रूप में देखते हैं तो P बराबर VI होता है, तो I की वैल्यू रख देंगे B इंटू वी जी इस वाली इक्वेशन से, तो ये V स्क्वायर G आ जाएगा। और B की वैल्यू रख देंगे I अपॉन G, तो ये आ जाएगा I स्क्वायर अपॉन G। यदि P ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर, और P इज लेस देन जीरो आता है तो इसे बोलते हैं डिलीवरिंग पावर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।